भाजपा नेता रामविलास पासवान ने कहा है कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे में एनडीए के भीतर किसी तरह का बखेड़ा नहीं है। लोजपा की ओर से 37 से कम सीटों पर चुनाव ना लड़ने की बात सामने आने पर वह नाराज भी दिखे। कहा कि चुनाव आने पर ही एनडीए की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सोमवार को साफ संकेत दिया कि समय आने पर सीधी चाल चली जाएगी। पासवान ने यह भी कहा कि दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने 100 प्लस और 37 का फॉर्मूला बताया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पारस बड़े नेता हैं, एक सांसद के क्षेत्र में 6 से 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लोजपा का लोकसभा में प्रदर्शन भी 100% है, यही सोचकर उन्होंने यह बात कही होगी। पासवान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, वह नहीं बोले हैं। खुद उन्होंने भी नहीं कहा है कि कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी। हम समय आते ही तब सोच समझ कर बोलते हैं, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बना है। यह कहते हुए पार्टी नेताओं को आदेश दिया कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बयान नहीं दिया जाए। केंद्रीय मंत्री पासवान ने एनआरसी को लेकर भी विस्तार में जानकारी दी। कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह किसी भारतीय की नागरिकता को ख़त्म कर दे। किसी दल के नेता का नाम लिए बिना कहा कि इस मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चर्चा कर चुके हैं तो कोई तीसरा स्टेप आगे क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस ने नागरिकता कानून में बदलाव के लिए हल्ला मचाया था। आगे जुड़े रहें हमारे साथ और खबरों के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।